الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور بھائیو دو جمعہ سے میں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شادی بیاہ کو انسان سادگی کے ساتھ ادا کرے. حدیث پاک میں ہے جتنی زیادہ سادگی ہوگی اتنا کم خرچ ہوگا اتنا ہی اس شادی کے اندر برکت ہوگی اور جتنا ہی زیادہ خرچ ہوگا بے برکتی ہوگی. میں نے بتایا تھا کہ جہیز کا سلسلہ بند کیجئے اور یہ بارات لے جانا لے آنا سارا یہ بھی بند کیجیے. چند حمام جائے نکاح پڑا کر لڑکی کو لکھ دیا ہے. ورنہ تو شادیوں میں دیر ہو رہی ہے. شادی اتنی مہنگی ہو گئی کہ شادی کا نام سنتے ہی پہلا نمبر دماغ میں کئی لاکھ روپیہ گونجنے لگتا ہے. بولیے شادی فلاں کی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے یا لگی ہے تو اس سے نکاح سمجھ میں کم آتا ہے. اس میں جو اسراف ہے فضول خرچیاں ہے وہ پہلے سمجھ میں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا کہ بارات آئی کھانا پینا ہوا سونا بھی ہوا ناشتہ پانی جو کچھ ہونا ہوتا ہے سارا کچھ ہوا. جانے لگے راستے میں کسی نے بتایا نکاح تو ہوا ہی نہیں. کیوں؟ نکاح وہ دوسرے نمبر کی چیز ہو رہی ہے. اس کے لوازمات یہ پہلے نمبر کی چیز ہوگی. تو اتنا بھاری بنا دیا گیا ہے کہ نکاح کا نام شادی کا نام سنتے ہی نکاح کسی کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے پہلا نمبر کئی لاکھ روپے اس کو سمجھ میں آتے ہیں. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات نکاح وقت پر نہ ہونے سے جب زیادہ اس میں تام جام ہوگا تو زیادہ دیر سے نکاح ہوگا. لڑکیاں ادھر پڑی ہوئی ہیں لڑکے ادھر پڑے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا بے حیائی پھیلے گی
और बैल लिए में आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तीन चीज में देर मत किया करो, निकाह जब नमाज का वक्त हो जाए उसमें देर नहीं करना, पढ़ लो, और जनाजा तैयार हो जाए देर नहीं, दफनाओ उसे। जोड़ के लड़का लड़की मिल गए फिर देर नहीं, शादी करो, जितना जल्दी हो सके निकाह पढ़ा लो। आजकल फर्ज नमाज नमाजों में कोताही जो है नहीं है, और जनाजा में तो अजीब मुसीबत, फला खाला आ जाएगी, फला मामू आ जाएंगे, और फला जगह के पीर साहब आ जाएंगे, उसके बाद ही जनाजा होगा। कुछ दिनों पहले देखा होगा, चार दिन तक जनाजा रोका गया, चार दिन तक। जुमा से पहले जनाजा तैयार हो जाए, किसी का इंतकाल हुआ सुबह को, जुमा से पहले पहले, तो इस वजह से कि नमाज में ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे जुमा के बाद किया जाएगा, इतना करने को भी उलमा ने मकरूह लिखा है। लेकिन ताजुश शरिया साहब का जनाजा चार दिन तक रखा गया, ज्यादा लोग जमा हो जाए, पता नहीं कहां से सारी चीजें बर्फ की सिल्ली पर सुला सुला के इस तरह से इंतजार हो रहा है। और शादी, शादी का मामला यह है, शादी का वक्त होता कब है? बच्चा बालिग हो गया, शादी का वक्त हो गया, कुदरती निजाम कुदरत की तरफ से बता दिया गया इसका टाइम हो गया, अब कर सकते हो तुम, मसलहत देख कर कर लेना। बच्ची बालिग हो गई, शादी का वक्त हो गया उसका, एक कुदरत की तरफ से बताया जा रहा है, टाइम हो गया है। चलिए, आमतौर पर फुकाए किराम ने लिखा है 15 साल, बच्चा बच्ची, चलिए इस्लामी नुक्ते नजर से 15 साल मान लिया, और हुकूमत कहती है 18 साल का हो जाए बालिग हो गया, ये जवान हो चुका है, इसकी शादी करो। यानी कहीं की इंडिया, अपने मुल्क की बात, अपने यहां की हुकूमत शादी का वक्त कब बता रही है? 18। चलिए 15 मत कीजिए, 18 पर लाइए। क्यों, इस्लाम पर भी अमल हो जाए, कानून पर भी अमल हो जाए, हिंदुस्तानी कानून पर भी, 18 साल से पहले मत कीजिए। यानी तिब्बी एतबार से भी, डॉक्टरी लिहाज से भी, हुकूमत के लिहाज से भी ये मान लिया गया है हिंदुस्तान में 18 साल का हो गया, अब इसकी शादी कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस पर अमल करते हैं। और चलिए, और देर लगाइए, अगर आप कह रहे हैं कि 18 साल का तो हो चुका है, और भी जरा सा
टाइम ले लिया जाए। 15 साल पर बालिग हुआ था। हुकूमत ने कहा 3 साल और रुक जाओ। 16, 17, 18 वो जब 3 सोचेगा तो उसे यूं महसूस होगा कि 3 साल तो पल भर में गुजर जाएगा। आपने उसे और भी बढ़ाया, चलिए 20, 21 कर लीजिए, तो भी जरा उसको तसल्ली रहेगी जो बालिग हो चुका है। और शुरू शुरू में जो जवानी आती है, बालिग बच्चा से जब जवान हुआ है तो मिजाज इंसान का कुछ ज्यादा ही खराब हुआ करता है। शावर का गलबा हद से ज्यादा होता है। उसको आप उस वक्त उस उम्र में क्या समझाते रहते हैं, बेटा पढ़ लो, तुम्हें कितना पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तुम्हें, डॉक्टर बनना है, फिर अब्बू डॉक्टर बनने के बाद 2 साल 4 साल किसी बड़े डॉक्टर के पास रहना है, चलिए 26 साल की उम्र में डॉक्टर हुआ था, 4 साल किसी बड़े डॉक्टर के पास रहा, 30 साल का हो गया, उसके बाद बेटा बैठना, तो बैठ कर या तुम अपनी डॉक्टरी खोलोगे, डिस्पेंसरी खोलोगे, वहां पर फिर उस वक्त से तुम्हारा काम शुरू होगा, कमाई शुरू होगी, उसके बाद जाकर तुम्हें फला जगह पर जमीन खरीदनी है और फला जगह पर मकान बनाना है, फिर अबू फिर क्या होगी, शादी होगी। वो बैठ के जोड़ रहा है, 15 साल का बच्चा, 35 साल में मेरी शादी होगी। या जो लोग बहुत राम कर रहे हैं इस जमाने के अंदर 30 साल में कर रहे हैं, 30 साल की उम्र में शादी होगी, 15 साल बालिग होने के बाद ऐसी उम्र को पहुंच गया कि अब शादी की जरूरत है। 15 साल के बाद बालिग होने के बाद उसके बाद 15 साल 20 साल इंतजार करें, आपको भूख लगी हुई है, कोई कह रहा है कि भाई अभी थोड़ी देर में खाना आने वाला है, तसल्ली रहेगी, चलो थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, रोजा भी जो रखवाया इस्लाम के अंदर सुबह से शाम तक, अजान हुई खाना शुरू करो मगरिब की, ऐसा नहीं किया 2 दिन 4 दिन फिर तो पता चलता कोई रोजा नहीं रखा, या 24 घंटा का भी हो जाता तो बीच में 2-3 नाश्ता तो हो ही जाता। अब बच्चे को हमने समझा दिया, इतना लंबा इंतजार करा दिया है, उसके सेनो दिमाग में डाल दिया है जो उसके बर्दाश्त के लायक नहीं है, 4 साल 5 साल 6 साल चलो अगर इंतजार की बात करते तो सोचता ये तो टाइम से गुजर जाएगा, लेकिन 30 साल 35 साल का जमाना, नतीजा ये हो रहा है, वो 15 साल का बच्चा ही उसी वक्त से कूदना शुरू, क्यों उसके दिमाग में अभी शादी मेरी 15 साल और 20 साल के बाद होगी, इधर से ये भी और उधर से लड़कियों को भी कोई हाल है, उनकी भी देरी हो रही है, तो नतीजा ये हो रहा है बेहया ही शुरू है। और ऐसे लोग
जो माशाल्लाह खानदानी एतबार से बेहया नहीं थे और खानदानी एतबार से बड़े शरीफ नमाजी मुत्तकी परहेजगार समझे जाते थे, उनकी औलाद बेहयाई कर रही है। ये बेहयाई का जिम्मेदार बाप खुद है, समाज खुद है। जो उसके सामने इतना बड़ा खाका बना के दे दिया है कि वो सोच रहे 15 साल 20 साल हमको इंतजार करना पड़ेगा, कैसे इंतजार कर पाएंगे। भूख लगी हो एक हद है इंतजार का, शादी का वक्त हो गया है चलो 18 साल की उम्र में, एक हद है इंतजार का, लेकिन इतना इंतजार करा देना कि फिर वो आपे से बाहर। इसका नतीजा ये है कि ऐसे ऐसे शरीफ लोगों को, शरीफ बच्चों को देखकर नहीं पता चलता कि ये भी कहीं बेहयाई में मुबतला होगा, लेकिन उसके दोस्त अहबाब बताते हैं ये मौलाना साहब या हाफिज जी या मुफ्ती साहब इसका ये करतूत है। वो हमने खराब किया है, बात इस वजह से चल पड़ी कि इस मोहल्ले के अंदर 20-21 साल के एक लड़के की शादी हो रही है और पूरा कस्या हंगामा हो गया है, इतना कम उम्र में शादी, इतनी कम उम्र में शादी, इतनी कम उम्र में शादी, यानी कि 20-21 साल की उम्र की शादी इस जमाने में कम उम्र, पूरा कस्या का लग रहा है पूरा इलाका हंगामा हो गया है। पहले जमाने में बेहयाई कम थी, वजह क्या थी, उसको इतना टाइम दिया जाता था कि बर्दाश्त के लायक रहे वो 4 साल 5 साल, या ऐसा ना करे घर वालों से भी बगावत शुरू करना शुरू कर दे, मां से भी बगावत, बाप से भी बगावत, हर एक से बगावत। क्यों, इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नफसानी ख्वाहिश रखी है, उसको कहीं पूरा करना है उसे। क्यों, अगर नफसानी ख्वाहिश नहीं होती तो फिर दुनिया का वजूद भी नहीं चलता। मर्द का औरत की तरफ फितरी तौर पर एक मैलान है और औरत का मर्द की तरफ फितरी तौर पर एक मैलान है, खींचता है। और आपने इतना इंतजार करा दिया तो इनके इस जमाने में हजरत थानवी अली रामा की किताब देख रहा था, हजरत लिखते हैं कि 15 साल की उम्र में लोग लड़कियों के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दे रहे हैं। कितने जमाने की बात है, 15 साल में, उस जमाने में 15-16 में शादी हो जाती। इस जमाने के अंदर लड़के लड़कियों पर राम किया जाए, 18 की लड़की हो गई, 17 की हो गई, कम से कम तलाश तो करना शुरू करो ताकि 20-21 तक कहीं मिजाज का रिश्ता मिल गया शादी कर दे, वरना अगर खुदा ने खास्ता मौका मिल गया और बगावत पर आ गई फिर कहते मेरी लड़की ने, मेरी बहन ने मेरी नाक कटा दी। नाक उसने नहीं कटाया है, नाक आपने उसे मजबूर किया है, कटा दो। ऐसा लगता है जितने बूढ़े हैं या जिनकी शादियां हो चुकी है या 40 से ऊपर चले गए, कभी जवान थे ही नहीं या उनके ऊपर जवानी चढ़ी नहीं थी, कभी याद करो क्या क्या ख्याल था, क्या जुनून था, और उसके साथ आप मस्ती कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे तसल्ली दे दिया है बेटा 30 साल पर तेरी शादी कर दी जाएगी, किसी का 35। इसका नतीजा ये है बेहयाई, इस्लामी मिजाज ये नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा जिस वक्त दोनों की शादी हुई है 17-17 साल उम्र थी, इंतकाल से पहले ही, तो विलादत से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया। जिस वक्त विलादत हुई है 18 साल उम्र हजरत अब्दुल्ला की थी, विलादत के वक्त
जाहिर है एक साल पहले शादी हुई होगी, और 17 ही करीब हजरत आमिना की थी। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पर जब उन्होंने हमला किया है, राजा दाहिर से जो जंग हुई है, मोहम्मद बिन कासिम की शादी हो चुकी थी, और जिस वक्त हिंदुस्तान पर हमला किया उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। तो पहले जमाने के ये लोग थे, पाकीज़ा लोग थे, पाकीज़ा ख्याल के लोग थे, शादी वक्त पर कर दिया करते थे, उसके बाद जो तुमको करना है करो। लड़की को क्या बहू बनाने के बाद नहीं पढ़ा सकता आदमी, घर ले आओ पढ़ाओ। लड़का क्या शादी के बाद नहीं पढ़ सकता? मेरी शादी खुद, मैं अपनी बात बता रहा हूं, दुनिया छोड़ो, 18 साल की उम्र में शादी हुई मेरी, और मैं उसके बाद 8 साल तक पढ़ता रहा, 8 साल तक पढ़ा, लेकिन 18 में शादी कर लिया था। मेरी शादी हुई 18 में। तो जो लोग अमल करने वाले हैं और डरने वाले हैं, खौफे खुदा रखने वाले हैं, वो समझते हैं बच्चे और बच्चियां की मजबूरियां, वरना जो ये बेहयाई और जिना बदकारी जो आम हो रही है, वबाल आएगा, वबाल, और वबाल के जिम्मेदार नेक लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। क्यों हर एक इस परेशानी में मुब्तला? शादी करो, खर्चा कहां से चलेगा? खर्चा कहां से? कुरान कह रहा है अनकिहुल अयामा मिनकुम मसालिहिन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकुनु फुकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, कि जितने भी बगैर शादी शुदा है, जो भी चाहे बेवा या मुतल्लका है, बाल लोग बेवा से भी शादी है, मुतल्लका हो गई फिर उसकी शादी तो फिर सोचना ही नहीं है। कह रहे सबकी शादी करो, अगर तुम फकीर हो, मोहताज हो, मिस्कीन हो, अल्लाह अपने फजल से मालदार करेगा तुम। शादी पर तो अल्लाह वादा कर रहा है शादी करो हम मालदार करेंगे तुम्हें, लेकिन पहले ही से भूत मादा परस्ती, ये की कहां से खाएगी, कहां से हम खाएंगे, कहां से वो खाएंगे, और शादी का देर का नतीजा है कि इतनी आवारगी, लौंडे घूमते रहते इधर उधर, कभी कभी पकड़ के पूछ लिया, बेटा जो इतना घूमते हो कितनी उम्र है? 22 साल उम्र है। कोई लड़की पसंद है, बोलो तुम्हारे माँ बाप से हम बात कर रहे हैं, जवाब क्या देता है? माँ बाप मार के मुंह देंगे, माँ बाप मार के उसे मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे अगर शादी की बात कर दिया 22 साल का लवंडा को। लेकिन जो आवारों की तरह इधर उधर कूद फांद कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी माँ बाप को नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। रोकना है तो फिर उसे खस्सी करो, नींबू वेबू सुबह को घोल गाल के उसे पिला दो, ऐसा मुखन्नस बन जाएगा, कुछ दिनों तक पिला दो, फिर उससे शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवा खिला दो कोई। लेकिन इस तरह से सही सालिम बच्चे को इतना लंबा टाइम देना इंसानियत के भी खिलाफ है, मजहब के भी खिलाफ, समाज के भी खिलाफ है। परवरदिगार सही टाइम पर शादी की तौफीक अता फरमा।